चलो दोस्तों, आज देखते हैं ओटीसी का टीच बैंडन और अपने जो ट्रेनिंग पार्ट वन है इसका लाइव सेशन हम करते हैं। ये है अपना टीच प्ले की स्विच, उसमें वो इमरजेंसी स्विच है, जॉक डायल है, नीचे डेडमैन। अभी चलते हैं इसको ऑपरेट कैसे करना है अभी देखेंगे हम। यहाँ पे एनेबल स्विच है, कई सारे हमने पहले वीडियो में आपको मैनुअल वगैरह हम पूरा इसका डिटेल दे दिया हुआ है अपने मैनुअल में, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे स्पीड है, मोटर ऑन है, एंटर है, डिलीट है, टैप है, आइकॉन है, इसमें सारी कई सारी चीज़ें। तो अभी हम चलेंगे इसमें कॉन्स्टेंट सेटिंग में, एनेबल दबाना है, कॉन्स्टेंट सेटिंग में जाना है। उसके बाद इसमें कई सारे ऑप्शन खुलते हैं, इसमें चलना है कंट्रोल कॉन्स्टेंट। कंट्रोल कॉन्स्टेंट हम ओपन करेंगे, कंट्रोल कॉन्स्टेंट में देखेंगे डेट, टाइम, सिस्टम अपडेट, आर्क वेल्डर, कई सारे इसमें ऑप्शन है। हर एक ऑप्शन पे हम आगे 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 वीडियो बनाते जाएंगे। डेट टाइम में क्या होता है, जैसे डेट टाइम में डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन वर्डन में हम वेल्डर वेल्डिंग मशीन है वो ऐड कर सकते हैं, तो कई सारे इसमें ऑप्शन है। अभी हम एक 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 ऑप्शन आगे दिखाते जाएंगे। स्क्रीन कॉन्स्टेंट में हम स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। मशीन कॉन्स्टेंट में हम सारी चीज़ें असाइन कर सकते हैं, जैसे टूल कॉन्स्टेंट, सर्विस लोड, एक्सिस, एनकोडर, सॉफ्टवेयर लिमिट, शिफ्ट, पोजिशन कंट्रोल, पावर सेवर टाइम, इसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे एक 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 ऑप्शन का हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं, सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। मास्टरिंग कैसे करना है, लिंक पुल ऑफ, सॉफ्ट लिमिट, आर्क वेल्डिंग मशीन कॉन्स्टेंट, क्रॉस मास्टरिंग, ये सारी चीज़ें इसमें हम आगे जाएंगे। अब आगे चलते हैं एक्यूरेसी एंड स्मूथलेस। उसके बाद एक्यूरेसी में इतना इतना ऑप्शन आता है। उसके बाद ऑपरेशन कॉन्स्टेंट, ऑपरेशन कॉन्स्टेंट में ऑपरेशन कंडीशन दिखाई दे रही है। उसके बाद मैनुअल स्पीड, चेक स्पीड, रिकॉर्ड स्पीड, कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ स्टेशन, ये सारा उसमें दिखाई दे रहा है। होम स्टॉप, ये सारा इसमें दिखाई है। अभी चलते हैं सिग्नल्स में। सिग्नल्स में इनपुट सिग्नल कंडीशन दिखाई दे रही है सारी, कैसे कैसे हमको कौन से इनपुट में क्या क्या यूज करना है, क्या करना है। उसके बाद इनपुट सिग्नल असाइनमेंट, हम स्टैंडर्ड इनपुट्स, आर्कड इनपुट्स, कॉम्बिनेशन इनपुट सारे असाइन करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट्स में हम चलेंगे तो स्टैंडर्ड इनपुट में जो आता है वो हम सारे इनपुट यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ऑटो मैनुअल के लिए, मास्टर के लिए, कई सारा आपको यहाँ दिखाई देगा, कई सारे इनपुट है इसके अंदर। उसके बाद आउटपुट असाइनमेंट, यूनिट रेडी सिग्नल में हम दिखा सकते हैं कौन कौन से यूनिट रेडी सिग्नल हमको करने हैं। स्टेट आउटपुट कस्टमाइजेशन में हम आउटपुट असाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऐप कीज आता है, ऐप कीज में शॉप कंडीशन हम सारे कीज असाइन कर सकते हैं कि कौन से कीज के लिए क्या करना है। उसके बाद कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में सीरियल पोर्ट है, इथरनेट है, फील्ड बस है, एक्सिस्टिंग एक्सटेंशन सीरियल बोर्ड है, योर टाइप यूज का इंटरफेस है, एक्सटेंडेड इथरनेट है, तो कई सारे उसमें टेरिटरी डेफिनेशन है, टेरिटरी फील्ड है। तो एक 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 बस हम वो आज वो रोल करेंगे कि कैसा कैसा है। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो फंक्शन ग्रुपिंग है, लॉगिंग है, इंटरफेस है, मल्टी ड्राइव रेफरेंस है। तो कई अभी ये देखो, ये प्रोग्राम हमारे दिखा है, प्रोग्राम कैसे ओपन करना है, एनेबल दबाना है, डायरेक्टरी में जाना है, जो चाहिए प्रोग्राम सेलेक्ट करना है डायरेक्टरी से, यहाँ से हम जो चाहिए वो, मानो मुझे 12 नंबर का प्रोग्राम ओपन करना है, मैं 12 नंबर का ओपन कर सकता हूँ। अभी इसमें एरर आ रहा है कोई, तो उसमें हम जो पासवर्ड प्रोटेक्टर ओपन है वो ओपन नहीं होंगे। तो इसमें कहीं देखो, इसमें विविंग है, वेल्ड ऑन ऑफ है, आर कॉन्स्टेंट है, आर स्टार्ट है, ये कमांड है, आर स्टॉप की इंचिंग है, रिट्रैक्ट है, आर चेंज की करेंगे तो ये ऑप्शन चेंज आता है, यानी एनेबल दबाएंगे तो ये सारे ऑप्शन बदल देते हैं। फिर उसके बाद चेंज की करेंगे तो मॉनिटर है, सिग्नल है, स्पीड है, टीच प्ले कंडीशन है, इसमें भी अगर एनेबल करेंगे तो ये हाइड हो जाता है। तो ऐसे और यू है, अभी आई वो देखेंगे हम, मॉनिटर में जाएंगे, मॉनिटर में इतने सारे ऑप्शन आते हैं, रोबोट प्रोग्राम, मॉनिटरिंग एक्सिस पोजीशन, एक्सिस पोजीशन में देखेंगे कि कौन सा एक्सिस कौन से जगह पे रुका हुआ है और रोबोट प्रोग्राम में सारे प्रोग्राम्स हमको दिखाई देंगे। मॉनिटरिंग में जैसे एक्सिस पोजीशन है, एनालॉग आई वो है, यूज़र इनपुट हम यहाँ चेक कर सकते हैं कौन सा इनपुट ऑन है, कौन सा ऑफ है। अभी यूज़र आउटपुट में अगर हम जाएंगे तो यूज़र आउटपुट भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने दिखाई दिया इनपुट, अभी मानो हमको कोई भी 57 नंबर का इनपुट ऑन करना है तो एनेबल प्लस ऑन दबाना है तो इनपुट ऑन, आउटपुट ऑन हो जाता है सॉरी, तो फिर हम उसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये सारा मॉनिटरिंग में अपने ऑप्शन है।
प्रोग्राम की हुई है, एनालॉग आईओ है, इंटीजर है, वेरिएबल है, मोशन है, पीएलसी है, कई सारे ऑप्शन है। सारे ऑप्शन पे हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने वाले हैं। आज का वीडियो बस अपना ओवरव्यू रहेगा कि कैसे टीच पेंडेंट रहता है, कैसा रहता है, और आपको अभी हम दिखाएंगे मैनिपुलेटर रोबोट्स वगैरह कैसा है। जैसे रोबोट को हम एक्स वाई जेड मूवमेंट करके देखेंगे। अभी यहाँ पे हमने सर्वान कर दिया, अभी वहाँ पे देखेंगे रोबोट ऐसे मूव हो रहा है। देखो तो कौन से एक्सिस में मूव करना है, क्या करना है, ये सारा रोबोट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम होम का प्रोग्राम ओपन करेंगे। होम का प्रोग्राम हमको ढूंढना है कौन सा है। 8888 शायद है। डायरेक्टरी में जाएंगे, 8888 करेंगे, रोबोट होम आ गया। अभी रोबोट होम को प्रोग्राम चलाने के लिए हम फॉरवर्ड करेंगे, रोबोट होम पे चला जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज इतना ही करेंगे हम।